एंड वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है इस पर्टिकुलर में जो सिर्फ और सिर्फ कि सिर्फ कि कि किस प्रकार से पहले अटेम्प्ट को सबसे बेस्ट अटेम बनाया जा सकता है कैसे पहले एग्जाम को निकाल सकते हैं उसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत पड़ेगी और हम कैसे 100 परसेंट एफर्ट लगा सकते हैं इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे इस सेशन में लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़ें आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को ढेर सारा शेयर कीजिए अपने जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम साथ ही साथ इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ही बनाया है मैंने सेशन और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है आप सब तक पहुंचना चाहिए ये साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी कई एक्सपीरियंस से भरी बातें आप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारे सभी टीचर्स ने लिया है और वो आप तक टाइम टू टाइम ऐसी बातों को इस सेशंस में पहुंचाते हैं तो आप तक इसके नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे देखिए अब अगर आपको एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है बाकियों से जो सोचते हैं कि यार पहला अटेम्प्ट में चलो मैं देख लेता हूँ किस तरीके से क्या होगा पेपर कैसा रहेगा क्या उसका लेवल है टफनेस लेवल कितना है लोग कितने बैठ रहे हैं मेरा रैंक क्या आ रहा है मुझे और क्या उसमें करना ये सारी चीज़ें वो लोग सोचते हैं जिनको लगता है कि अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है हमें एक आध चांस अपने आप को देना चाहिए लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप पहले अटैम्प्ट से ही अपने आप को बेहतर बनाएं और पहले अटैम्प्ट में सोचें कि क्लियर हो जाए तो देखिए पहला अटैम्प्ट ऐसा होता है आपने ऐसा देखा है कभी पहली बार बॉल से चोट लग जाए तो उस चोट के बारे में पता चल जाता है तो जब अगली बार बॉल चोट लगने वाली आती है तो आपको पता बड़ी तेज़ लगेगी लेकिन जब तक चोट नहीं लगी रहती है तब तक लगा सारे बॉल को आप जहां तहां मारते हैं फिर तो यही मैं इस चीज़ में भी अप्लाई करता हूं पहला अटेम्प्ट ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें आपको इस बात का भय नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा आपको ये रहता है कि ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है ये अगर आप पॉजिटिव माइंड में पहले एग्जाम में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर इस बार फेल हो गए पहली बार तो दूसरी बार उस पिछले वाले फेलियर का एक डर बैठ जाता है यार अगली बार भी फेल हो गया तो बड़ा मुश्किल है अब क्या करूँगा तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप तक पहुँचाऊँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इसको अप्लाई किए हैं तो बहुत अच्छा है नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको अप्लाई अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कर लीजिए देखिए जो सबसे पहली बात है वो क्या है वो ये है कि आपको जिस एग्जाम को देना है उस एग्जाम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए उसके बिना संभव नहीं है उस एग्जाम को निकालना मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में आ क्या रहा है और कितने स्टेजेज हैं इस एग्जाम के <coughs> फॉर्म भर दिया पता ही नहीं है कि तीन एग्जाम तीन स्टेज में जाना है या दो स्टेज में जाना है या चार स्टेज में जाना है आपने पेपर भर पेपर देने के बाद आपको पता चलता है अगले वाले सर यार अभी तो दूसरा मेंस भी देना है हमरे को तो एकदम से आपको खलबलाहट होती है कि लो हम तो प्रिपेयर ही नहीं है तो पहले से पता हो कि सिलेबस क्या है सब्जेक्ट्स क्या हैं कितने स्टेजेस हैं एग्ज़ाम के तो अगर आप मेनली अगर पी की हम एक बात कर लें स्टैंडर्डाइज बात कर लें तो उसमें मेनली तीन स्टेजेस होते हैं प्रिलम्स मेन्स और फिर इंटरव्यू ये तीन चीज़ों को आपको क्रैक करना पड़ता है इसके लिए आपको अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है उसके बारे में भी जल्दी जल्दी जानते हैं इस सेशन में देखिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं हमेशा कहता हूँ युद्ध बिना शस्त्र के नहीं लड़ा जाता इसलिए शस्त्र आपका आपका सिलेबस है वो अगर आपको नहीं पता है आप कोई आप छोड़ दीजिए पीओ तो बहुत बड़ी बात हो गई आप कोई छोटा सा एक एग्जाम नहीं निकाल सकते जिसमें हो सकता है कि पाँच वैकेंसी और दो लोग बैठे हैं तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे उस एग्जाम को इतना आप समझ लीजिए तो क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है तो फिर आप उस एग्जाम में बैठ के इस कम कंपटीशन में भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि बाकी के जो लोग हैं ना उनको ये पता है और वो एग्जाम को निकाल लेंगे वो पाँच सीट उनकी हो जाएगी तो सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आता है वो चीज़ जरूर गो थ्रू हो जाइए जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत क्लियरली सब कुछ उसमें मेंशन होता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और उसमें टॉपिक्स क्या क्या होंगे इसलिए नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कीजिए और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए प्रिपरेशन की दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है वो ये है कि सिलेबस जान गए तो आपको अब ये देखना है कि आपका टाइम टेबल क्या होगा ये वैरी करता है लोग पूछते हैं सर एक टाइम टेबल बता दीजिए नहीं बता सकते ये वैरी करेगा वेरिएबल है ये भाई आपके लिए कुछ होगा मेरे लिए कुछ होगा बाकियों के लिए कुछ होगा क्योंकि उनका स्ट्रेंथ कुछ और है मेरा स्ट्रेंथ कुछ और है आपका स्ट्रेंथ कुछ और होगा लेकिन जो भी टाइम टेबल बनाए वो डायजेस्टेबल बनाए मतलब वो जिसको आप फॉलो कर पाए शुरू के कुछ दिन में छोटा टाइम टेबल क्योंकि आपका पढ़ने का आदत बिल्कुल छूटा हुआ है तो कम से कम दो घंटा एक घंटा जो भी है बैठने की आदत डालिए उसमें कुछ कुछ चीजें बेसिक्स पढ़ते रहिए फिर उस दो घंटे को तीन घंटे चार घंटे कंटिन्यूसली ग्रो करते जाइए धीरे धीरे अपनी आदत को बढ़ाइए एक बार में आठ घंटा बैठेंगे चार दिन बाद शरीर चरमरा जाएगा बाहर आप पढ़ेंगे नहीं आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी आपने उस तरीके से परिश्रम पीछे कुछ दिनों में किया ही नहीं है और आप चाहते हैं कि एकदम से कर लें भाई एक रोटी खाते हो पाँच रोटी एक बार में डाल दिया जाएगा तो बाहर आ जाएगा सब है ना इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे अपने टाइम टेबल को बड़ा बनाएं एकदम से बड़ा ना बनाएं पहले एक दो घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए टू आवर्स का उसमें प्रिपरेशन कीजिए फिर एक टाइम टेबल धीरे से एक महीने बाद शिफ्ट करके चार घंटे का कर लीजिए फिर एक महीने बाद उसको शिफ्ट करके छः घंटे का कर लीजिए और मैक्सिमम मैं कहता हूँ आठ घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई मत कीजिए एट आवर्स मैक्सिमम है जिस दिन आप इस पर रिच कर गए इसको कंटिन्यू कीजिए बस आठ घंटा मैक्सिमम अब एलोकेशन डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है जिसमें वीक है उसको ज़्यादा समय जिसमें स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा कम समय दीजिए धीरे धीरे वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए और स्ट्रेंथ को और स्ट्रेदन कीजिए और मजबूत कीजिए शॉर्टकट्स के द्वारा नए नए मेथड्स के द्वारा ताकि स्पीड आपकी अच्छी होती चली जाए ये टाइम टेबल वेरिएबल है लेकिन बनाइए जरूर बिना इसके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि रीडिंग हैबिट्स डालना वही बैठने की आदत डालो सिंपल सी बात है क्योंकि आज के डेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर कम्प्रीहेंसिव ही होते हैं कंप्रिहेंशन बेस्ड ही होते हैं चाहे अंग्रेजी की बात कर लो चाहे रीजनिंग की बात कर लो चाहे मैथ्स की बात कर लो सब में बहुत बल्कि डेटा होता है रीजनिंग में पूरी पजल अंग्रेजी ही है मतलब डेटा बेस्ड ही है पूरा पढ़ना पड़ेगा पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत सारा रीडिंग कंपनीशन का पार्ट होता है चाहे वो, वो आर हो चाहे वो आपका क्लोजटेस्ट हो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज हो पैराजम्बल्ड हो सब में फीलिंग द ब्लैंक्स हो सब पढ़ना पड़ेगा तो रीडिंग हैबिट नहीं होती है ना तो बोरियत फील होती है कुछ देर बाद पढ़ने वाले नहीं करता है इसको मैं तो ये चीज़ चली जाएगी तो बहुत मुश्किल है उसको बना के रखिए उसके लिए न्यूज़ का पढ़ना डेली वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जिसमें इंटरेस्ट हमारे लिए क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं तो जैसे मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं क्रिक इन्फो खोल के या फिर क्रिक बस खोल के आप उसमें क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं मैं तो वही पढ़ता रहता हूँ मैं घंटों घंटों अब जैसे आज आई अब शुरू होगा तो टी चल रही होगी लेकिन फिर भी मैं देख ही रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कई अच्छे वर्ड मिल जाते हैं अच्छे अच्छे उसमें राइटर्स होते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो अपन कई उसमें फ्रेजेस मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर लो अपने लाइफ में तो आप इंप्रेस कर सकते हो और आप एग्ज़ाम को भी इम्प्रेस कर सकते हो इससे तो रीडिंग स्किल्स डेवलप कीजिए अपने कंसेप्ट को जितना जल्दी हो सके ब्रश अप कीजिए क्लियर कीजिए बेस्ट टीचर्स का इस्तेमाल करें उसके लिए उनके कंसेप्ट को समझें उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं डेली प्रैक्टिस करें उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट तो कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट का क्लियर कीजिए इमीडिएटली बिना उसके नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले गए कंसेप्ट पता ही नहीं है फॉर्मूला कुछ बता दिया टीचर ने सॉल्व कर रहे हैं दो चार सवाल तो लगेगा लेकिन जैसे ही सवाल घूमेगा तब फंस जाएंगे आप लेकिन कन्सेप्ट पता होगा तो फंस घुमा हुआ सवाल भी उस फार्मूले से निकाल सकते हैं आप तो कन्सेप्ट का होना जरूरी है शॉर्टकट्स बाद में सीखिए पहले कंसेप्ट फिर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए मैंने बताया ना शॉर्ट नोट्स बना लो उसको याद करो रूल्स मैं तो हमेशा रिकॉर्डिंग कर लेता था चीज़ों की जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और उनको सुनता रहता था अपने अपनी भाषा में अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लेता था और मैं उसको सुनता रहता था जिससे कि जल्दी से जल्दी वो मेरे दिमाग में फिट हो जाता था या सुन लो या फिर ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस कर लो इससे आप ज़्यादा देरी तक उसको याद रख सकते हो ठीक है और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन पहले बेसिक टू इंटरमीडिएट टू हाई लेवल ऐसे प्रोसेस बनाना है एक ही बार सबसे बड़ा सवाल उठाकर नहीं सॉल्व करना है सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फोकस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है आपको क्लियर आइडिया किस तरीके से उस एग्जाम को क्रैक करना है तो इस पॉइंट को डेफिनेटली नोट डाउन कीजिएगा कि पिछले वर्षों में कैसे पेपर आया है ये नहीं जानेंगे तो आप थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड होंगे इसलिए इस चीज को जाने साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम को मैनेज करें मैंने इसके एक रूल पहले ही बताए थ्री एट्स रूल आठ घंटा पढ़ाई आठ घंटा मैं तो उसको बताऊँ सुताई लेकिन आप सो जाइए आठ घंटा सोइए आठ घंटा पढ़िए और आठ घंटा सोशल बनिए मतलब लोगों से मिलिए जुलिए डिस्कस कीजिए थोड़े अपने आप को और डेवलप कीजिए आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होता है जब आप मिलते जुलते हैं बाहर लोगों से बात करते हैं तभी जाकर आपके भटक खुलते हैं बोलने के तरीके में बदलाव आता है घर पर बैठने से शायद उतना ना बदल पाएं अपने आप को खुद लेकिन ये आप अगर लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो आपकी बातों में बहुत चेंजेस होंगे इस बात का याद रहे सो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेज रोल इन लाइफ क्योंकि ये समय है जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो, तो देख ही लिया ऑनलाइन टेस्ट में हमेशा कहता हूँ पेपर बेस्ड टेस्ट ना दें पेपरलेस यानी ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के टेस्ट दीजिए उसकी स्पीड एकदम से चेंज होती है पेपर पे आप जो सवाल दस सवाल आप दो मिनट में कर सकते हो वहीं ऑनलाइन वो करीब पाँच या छः पर आ जाता है स्पीड थोड़ी सी धीरे हो जाती है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक और मॉक कौन सा जिस पेपर को आपने अप्लाई किया है टारगेटेड मॉक दीजिए जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में और लास्ट पॉइंट है कि रिवाइज करते रहिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते हैं मेरा तो 100 परसेंट सिलेबस कवर हो गया कंसेप्ट तैयारी है क्वेश्चन मैंने लगा लिया मॉक दे ही दिया हो गया नहीं एक दिन भी अगर आप शांति से बैठ गए तो आप कई मतलब एक दिन भी अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप कई लोगों से पीछे हो जाएंगे हर दिन लगातार उसी मेहनत के साथ आपको पढ़ते रहना होगा उसी टाइम टेबल के साथ आपको चलते रहना होगा जब तक कि आपका पेपर ना आ जाए वो लास्ट दिन होगा जिस दिन आपको जाके एग्जीक्यूट करना है उसे तो एक दिन पहले तक लगातार तैयारी करते रहिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज होते रहना चाहिए ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तैयार हूँ तैयार तो फिर विराट कोहली भी है फिर वो गेम के एक दिन पहले तक गेम के दिन तक प्रैक्टिस करते हैं वो लोग टॉस होने तक प्रैक्टिस होती है क्यों भाई वो तो कह देते हैं कि हम तो हंड्रेड परसेंट बैटिंग जानते हैं कैसे करना क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट आपको बेहतर बनाता है वो और बेहतर बनते चले जाएंगे आप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी वाला और ये अगर दस पॉइंट आप फोकस कर गए तो आप पहले अटेम्प्ट में सबसे बेहतर अटेम्प्ट दे सकते हैं और आपके एग्जाम निकलने का सबसे ज्यादा चांस हो सकता है क्योंकि पहले अटेम्प्ट में एक पॉजिटिव चीज़ यह है कि आप फेल होने का आपको अभी वो दर्द नहीं पता है और वो नहीं है तो अच्छा है ऐसी मेडिसिन लेनी ही ना पड़े हम तो हमेशा कहते हैं दवा से जितनी दूर रहो बात उतनी अच्छी है तो आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओ यही मेरा सोचना है और इसके लिए हमारे साथ के सारे टीचर्स आपके साथ जुड़ते हैं सुबह सात बजे से लेकर शाम के छः बजे तक लगातार क्लासेज बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप अभी मुझे देख रहे हैं एम्बाई बची बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल यहाँ पर ये सेशन्स होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए चाहे बैंक हो इंश्योरेंस हो तो आप जुड़िए पढ़िए इन इन समयों पर जो आपके सामने दिख रहा है और हम लोगों के अपने एम बाई आपका भी एम्बाइव एप है ये इसको डाउनलोड कीजिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो आप बात कर रहे थे हम उसको दे सकते हैं साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं यहाँ से क्लास की लिंक्स और पी आपको मिलती हैं जिससे कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी बनता है तो इस सेशन में मेरी मेरी ये सोच थी या चाहत थी कि आप कहले, कैसे पहले में एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे या फिर उसको कैसे बेहतर बना पाएंगे उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच पाई होगी ऐसे और सेशन के लिए कीप वी बिलीव इन बाइबिंग यू